गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकान पर जबरन बड़ी संख्या में लोगों को लेकर बोला धावा, कच्चे मकान को किया जमींदोज। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर के आईजी रेंज जे रविंद्र गौड़ को आगरा का बनाया गया है कमिश्नर। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अगुवाई में विदाई समारोह का किया गया आयोजन, बुके और स्मृति चिन्ह देकर की गई विदाई। गोरखपुर महोत्सव 2024 का चंपा देवी पार्क में गुरुवार को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री के द्वारा किया जाएगा शुभारंभ। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी करेंगे समापन, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर ने पिता की पुण्यतिथि पर 5 टीबी मरीजों को लिया गोद, इलाज चलने तक मरीजों की पोषक सामग्री के साथ देते रहेंगे मानसिक संबल। डीएफओ विकास यादव ने कुश्मी जंगल में रास्ते की बंदी पर कहा कि कुश्मी जंगल में कोई रास्ता नहीं हुआ है बंद, जिन रास्तों की नहीं थी आवश्यकता वही रास्ता किया गया है बंद। गोरखपुर महोत्सव में वन विभाग भी लगाएगा स्टॉल, बच्चों के लिए आयोजित करेगा प्रतियोगिता, विजयी छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर करेगा सम्मानित, डीएफओ विकास यादव ने दी जानकारी। शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पुरस्कार वितरण समारोह का एक निजी हाल में किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को स्कूटी व बाइक से किया सम्मानित, 10 शहर व 10 ग्रामीण छात्र छात्राओं को दिया सांत्वना पुरस्कार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए कलेक्ट्री परिसर में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र का फीता काटकर किया शुभारंभ, कहा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नए मतदाताओं के नामों को जोड़ा गया है, 22 जनवरी को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन। टीबी के दवा बीच में छोड़ना हो सकता है खतरनाक, पूरा कोर्स करना है जरूरी, तभी टीबी से मिल सकती है मुक्ति। इन रोगियों के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की है सुविधा।